ये डबल मेजर का जैसे मैंने ऐसे टॉप अप आपको बतलाया, तो उसमें क्या है कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा वो तो मैंने आपको बता दिया कि 12th ग्रेड में प्लस 2 में या इंटरमीडिएट में आपका मार्क्स अगर 75% से ऊपर है तो आप एलिजिबल है डबल मेजर के लिए। आप चाहेंगे तो उस इंस्टीट्यूट से डबल मेजर कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है, सर भी बतला चुके हैं अपने वक्तव्य में डबल मेजर के साथ किस तरह से आपको जस्टिस करना है। पहला जो मेजर है आपका, जो बेस प्रोग्राम है, जैसे मैंने मोबाइल के करते से बोला था कि एक बेस पैकेज होता है, आप उसमें टॉप अप लेते हैं, तो जो बेस पैकेज है आपका वो मेजर है, सिंगल मेजर, वो हिस्ट्री है, फिजिक्स है, साइकोलॉजी है, हिंदी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, कुछ भी है वो तो रहेगा। ये आपका सेकंड डबल मेजर के केस में फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम जो है वो डबल मेजर के में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस पर नहीं डिपेंड करेगा। डबल मेजर में आपका 100 हिट है या फ्लॉप है, इससे आपका फर्स्ट मेजर अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट मेजर विल नॉट बी अफेक्टेड विथ योर परफॉर्मेंस इन द डबल मेजर। लेकिन डबल मेजर के साथ अब क्या है कि सेकेंड मेजर के लिए आपको जब इन सेमेस्टर एग्जाम में जाना है फॉर सेकेंड मेजर, तो ठीक है, पहला दो सेमेस्टर जो है डबल मेजर का देखिएगा दो दो पेपर है, तो एक साल में आपके हो गए 4 पेपर। ठीक है, तो उस 4 पेपर में से कम 3 पेपर आप क्लियर कीजिएगा तो डबल मेजर वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया कि ठीक जा रहा है। ठीक है, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर में चले गए, लेकिन 3 से कम में नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक पेपर जो अधूरा रह गया, जो नहीं पूरा कर पाए थे, उसके लिए आपको एक मौका और मिलेगा। कहते हैं ना कि ऊपर वाला एक मौका जरूर देता है, जीवन में कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, परिस्थितियां कितने भी डिफिकल्ट क्या ना हो, हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं इन सब बातों से कि एक मौका जरूर मिलेगा। तो यूजीसी ने उसको मेंटेन रखा है, डबल मेजर में किसी प्रकार का मिस हैपनिंग हो जाए पहले साल पे, एक मौका है अगले साल आप अपने उस बैक पेपर को क्लियर कर लीजिए। कर लेते हैं तो आपका डबल मेजर का सेकेंड ईयर कंटिन्यू करेगा, फिर थर्ड ईयर डिपेंड करेगा अकॉर्डिंगली, और नहीं कर पाए तो ये डबल मेजर का जो यात्रा था, आपका जो टॉप अप प्लान था वो खत्म हो गया। द टॉप अप प्लान इज एग्जॉस्टेड नाउ, डबल मेजर आपसे वापस ले लिया जाएगा और आपका जो बेस प्लान है मेजर वो कंटिन्यू करेगा। उसमें आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो आप तय कीजिएगा। ठीक है, ये आपके जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं, मिड सेमेस्टर एग्जाम्स और इन सेमेस्टर एग्जाम्स, उसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, सारे एग्जाम्स के पैटर्न में कॉमन क्या है, तो दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अभी भी ऐसा है, अभी भी यही पैटर्न है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ये एग्जांपल है 10 मार्क्स वाले मिड सेमेस्टर एग्जाम का। 5 मार्क्स तो मिलेगा, परफॉर्मेंस बेस्ड है वो, अटेंडेंस बेस्ड है, ये 10 मार्क्स आ रहा है रिटन टेस्ट के थ्रू। इसके ग्रुप ए में 5 मार्क्स है और ग्रुप बी में 5 मार्क्स है। वहां पर एक चॉइस है, आपके पास दो क्वेश्चन है, एक बनाने हैं, तो 5 और 5 10 मार्क्स हो गया, तो ग्रुप मिड सेमेस्टर एग्जाम जो 10 मार्क्स का है वो पूरा हो गया। वैसे ही जो 20 मार्क्स का जो पेपर है, जिसमें मिड पेन एंड पेपर एग्जाम 20 मार्क्स का है, तो ग्रुप इज देयर, ग्रुप ए ग्रुप बी। यहां पर आपका ग्रुप ए 5 मार्क्स का हुआ, 1 × 5, एंड एडिशनली यू हैव वन मोर क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, तो ग्रुप ए हो गया 10 मार्क्स का, और नेचुरल है कि ग्रुप बी आपका होगा 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे भी एक चॉइस है, 10 और 10 का दो क्वेश्चन है, इसमें से आपको एक करना है, तो 10 फ्रॉम ग्रुप बी एंड 10 फ्रॉम ग्रुप ए, दैट मेक्स 20।
50 मार्क्स के पेपर, ये कौन से पेपर हो गए, किस पेपर का एग्जाम 50 मार्क्स का होगा इन सेमेस्टर? कितने क्रेडिट का वो सब्जेक्ट होगा जिसका एग्जाम 50 मार्क्स का होगा? दो क्रेडिट का। एवरी क्रेडिट एग्जाम के हिसाब से समझिए, तो जो 4 मार्क्स का अरेंजमेंट है वो 1 क्रेडिट 25 मार्क्स ऐसे करके। तो कोई पेपर अगर 2 क्रेडिट्स का है तो 50, 3 क्रेडिट्स का है तो 3 क्रेडिट्स का है तो 75, और 4 क्रेडिट्स का है तो 100, 4 क्रेडिट 100। तो ये आपका एक ऐसा पेपर है जो 50 मार्क्स का है, ठीक है। तो इस इन सेमेस्टर एग्जाम में ग्रुप ए है 5 मार्क्स और ग्रुप बी से 15-15 का क्वेश्चन है, 15-15 मार्क्स का। यहाँ से आपको 45 मार्क्स चाहिए, तो 3 क्वेश्चन आपको करना है और आपके सामने 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आप 3 बनाइएगा तो 45 एंड देन 5 फ्रॉम दैट ग्रुप ए, दैट मेक्स 60 किस में होगा? राइट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में 60 होगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो इन सेमेस्टर है 60 मार्क्स का, इसमें आपका ग्रुप ए में आपका 5 मार्क्स का तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया आपका, और 2 और 3 भी है 5-5 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स ग्रुप ए से और बच गए 45, वो ग्रुप बी से आएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 3 करने होंगे, तो 45 इधर से हो गया। 75 में ग्रुप ए का स्ट्रक्चर सेम है, ग्रुप ए का स्ट्रक्चर सेम है, सो दैट 15 मार्क्स इज फ्रॉम देयर। नीचे से आपको 60 मार्क्स चाहिए, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन, और दिए रहेंगे आपको 6 क्वेश्चन, तो 6 में से आपको 4 बनाना है, तो ऐसे करके आपका 60 और 15 75। तो ऐसे करके सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। 100 मार्क्स वाला थोड़ा सा डिफर करता है, पैटर्न वाइज नहीं डिफर करता है, मार्क्स वाइज डिफर करता है। ये जो आपका ग्रुप ए है वो जो 1 मार्क वाला क्वेश्चन था वो अब डबल हो गया, 1 × 10 हो गया, और 10 मार्क्स और 5-5 मार्क्स का, तो ग्रुप ए हो गया 20 मार्क्स, और 80 मार्क्स आपको चाहिए ग्रुप बी से, यानी कि 4 क्वेश्चंस 20 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चंस 20 मार्क्स ईच, और आपके पास 6 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चंस जिसमें से आपको 4 करने होंगे। ये चॉइस भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा है, ज्यादा होता अगर आपको 4 बनाना है और 8 क्वेश्चन रहता, है ना, 2 बनाना है और 4 क्वेश्चन रहता, तो इस चॉइस को बोलते हैं कि ज्यादा है, डबल है उसका आधा बनाना, लेकिन 6 है उसमें से आपको 4 बनाना है, यानी पढ़ना पूरा है, पढ़ना पूरा है। मैं इस बात की हमेशा वकालत करता हूँ कि पढ़ाई जब भी कीजिए तो पूरा, क्योंकि ये अप्रोच गलत है कि पिछले साल जो आया था उसको हटा दो, है ना, तो 50% बचा ना, उस 50% में भी मेरा मन नहीं है, मन लगा के ज्यादा पढ़ने का, तो 50% हम पढ़े तो उस पूरे कोर्स का, उस पूरे पेपर का मात्र 25% पढ़ के गए, और बस यही पानी था कि किसी का पास हो जाता है तो पास तो हो ही जाएगा। देखिए इसका पूरा सा मामला है कि बगैर न्यूटन के तीनों नियम को जाने हुए भी एमएससी में फिजिक्स कर सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। पिछले साल आया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, नहीं पढ़े, अगले साल नहीं आया, वो ग्रेजुएशन में चले गए, वहां न्यूटन्स लॉ होता ही नहीं है, पढ़ना आया ही नहीं, और पीजी तो कर गए, तो बगैर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़े भी पीजी कर सकते हैं, पूरी संभावना है, लेकिन क्या मतलब है, फिजिक्स कर गए और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं जानते हैं, तो ऐसे अगर सोचेंगे ना तो हर टॉपिक को पढ़ना चाहिए। हम पर्सनली कभी भी, मैडम यहाँ 10 साल हम रहे आप लोग के साथ, पर्सनली मैडम स्लो सभी जानती है, पर्सनली मैंने कभी किसी स्टूडेंट को नहीं बोला कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी स्टूडेंट मेरे पास आया तो पूरा पढ़ना है, पिछले साल जो आया हम उसको भी क्लास में पढ़ाते थे, क्योंकि अगर ये साल निकल गया, ये सेमेस्टर निकल गया, तो ऐसा कोई ईमानदार नहीं बैठा है कि सेमेस्टर टू में, सेमेस्टर टू के पढ़ाई के साथ साथ
सेमेस्टर वन का छोड़ा हुआ हिस्सा भी पढ़ता रहेगा घर में, ऐसा नहीं होता। और ऐसे ही सेमेस्टर करते करते सात सेमेस्टर आठ सेमेस्टर निकल जाए आपके लाइफ से, जब आप पीछे मुड़ के इसे देखिएगा सारा सिलेबस को, तो लगेगा कि हम तो 50% ही पढ़े हैं। तो ये अप्रोच सही नहीं है। जब भी पढ़िए पूरा पढ़िए। खाना भर पेट खाते है ना, कपड़ा मन पसंद पहनते है ना, तो मोबाइल में जो प्लान आप लेते हैं वो मन पसंद लिखा लेते हैं। तो पढ़ाई भी जो है पूरी होनी चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान जो है ना वो नीम हकीम खतरे जान, आगे चलकर वही हो जाएगा। इसलिए वैसा मत कीजिए। और समापन की ओर है, धन्यवाद के पात्र हैं आप, बहुत दिलचस्पी के साथ सुने। जाने का शायद समय हो गया है, फिर भी अपने को रोक के रखे आप। वो इंसान जीत जाता है, वो इंसान जीत जाता है जो अपने भावनाओं पर, अपने उम्मीदों को, अपने आकांक्षाओं को, अपने जरूरतों को अपने पक्ष में रखता। तो आप लोगों ने अपने खेल से अपने इन जज्बातों को अपने कंट्रोल में रखा है कि नहीं सुन कर जाना है, पूरा सुन कर जाना है। देखिए पूरा आपने किया तो पढ़ाई भी पूरी कीजिए। हर काम जो आप अपने लाइफ में लेते हैं, चाहे घर में पेरेंट्स का मदद करने के लिए उठाया गया कोई भी कदम आपने उठाया, उसको पूरा कीजिए। जीवन एक है, जीवन का बीतने वाला हर पल अनमोल है। जो पल बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा। आप केवल अफसोस करते रहिएगा कि काश हम ऐसा कर पाते। वो आपने मूवी देखी होगी ना, थ्री इडियट्स, याद आ रहा है? गाड़ी सामने खड़ी है, बाद में मत बोला, वो सीन आपको याद आ जाएगा। तो इस तरीके से लाइफ को लेके चलिए कि ऐसे अपनी तरफ से लाइफ में पूरी ईमानदारी कीजिए। और मेरा यकीन मानिए, ईमानदारी से बिताया हुआ जीवन का हर पल, ईमानदारी से बिताया हुआ जीवन का हर पल आपका सुनिश्चित करता है आने वाला कल। इसलिए इस पल को जिए और अगले कल का सुनहरा निर्माण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिलेबस के सब्जेक्ट के हर कोर्स का क्रेडिट
मिसमैच हो रहा है। 6 क्रेडिट के सारे कोर्सेस अभी तक चलते थे जो 4 क्रेडिट में ट्रांसफर कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल रो में 22 क्रेडिट के फ्रेम बनाए गए। यूजीसी लेटेस्ट रिकमेंडेशन के अनुसार 20 क्रेडिट्स के हॉरिजॉन्टल रोज में फ्रेम बने। अब 22 को 20 क्रेडिट्स में ट्रांसफर करना और सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, कंसेप्ट, कॉम्बिनेशन सब कुछ बदल गया। ड्राफ्ट रेगुलेशन अलग था और फाइनल रेगुलेशन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन जिस वक्त ये डिसीजन हम लोग ले रहे थे उस समय सेमेस्टर 1 की पढ़ाई हो चुकी थी, इसलिए पूरी तरह से रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं था। और यूजीसी ने अपने ही ड्राफ्ट में एक पॉइंट मेंशन किया कि इवन सेमेस्टर सिस्टम में जो स्टूडेंट पहले से पढ़ाई कर रहे हैं वो भी अगर 4 ईयर करिकुलम में आना चाहते हैं तो उनके लिए ब्रिज कोर्सेस करके आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम लोग CBCS के कोर्सेस को ट्रांसफर कर सकते हैं तो NEP के ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड कोर्सेस को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 22 क्रेडिट्स को सिर्फ 20 क्रेडिट के इक्विवेलेंट बनाया है, जिसके लिए लैंग्वेज पेपर इंग्लिश और हिंदी सेमेस्टर 1 और 2 में रेस्पेक्टिवली 6 क्रेडिट के कोर्स को 4 क्रेडिट पे इवैल्यूएट करेगा। सिर्फ इतना माइनर चेंज के कारण से हम लोग 20 क्रेडिट्स का जो फ्रेमवर्क है मेंटेन कर सके। और इसके साथ साथ जो डिस्कशन में नहीं आया है वो हर कोर्स का एक क्रेडिट लिमिट है, मिनिमम क्रेडिट उतना मीट करना चाहिए उस कोर्स के वैलिड होने के। तो हम लोग जो मल्टीपल डायमेंशन में जब क्रेडिट कैलकुलेशन किए तो ओल्ड कोर्स के 2 सेमेस्टर के कोर्सेज को रिटेन कर लें तो एकेडमिक ईयर 1 हमारा सर्टिफिकेट कोर्स का पूरा होता है। और उसके बाद उन सारे स्टूडेंट को अगर नए स्ट्रक्चर में ले आते हैं तो UGC का जो क्राइटेरिया इम्पोज हुआ है उसमें कोई भी वायलेशन नहीं होता। तो उन कैलकुलेशंस के बेसिस पर जब झारखंड के सारे यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव इन प्रेजेंस ऑफ HRD डायरेक्टर एंड अदर्स जब हम लोग तय हो गए कि चलो अब हम लोग इसको कर सकते हैं, एक रिजोल्यूशन दिया गया, उसमें था कि सेमेस्टर 1 और 2 जो ड्राफ्ट रेगुलेशन पर बेस होकर के जो सिलेबस लागू हुआ वो एज सच रहेगा, उसकी पढ़ाई में कोई चेंज नहीं होगा, कोई अल्टरेशन नहीं होंगे और वो सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 3 से नए स्ट्रक्चर से पढ़ना शुरू करेंगे। आप जब क्वेश्चन सेट करेंगे, टीचर्स जब क्वेश्चन सेट करेंगे, उनके पास एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट से जब क्वेश्चन सेटिंग के लिए आएगा तो आप सिर्फ इतना ध्यान देंगे कि वो ओल्ड कोर्स का स्ट्रक्चर है सिलेबस है या न्यू कोर्स का। नए सिलेबस के हर पेज पर implemented from 3rd semester of 21, 26 and from 1st semester of 22, 26 ये दिया हुआ। मतलब आप semester old course का कर रहे हैं या new course का question set कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन सेटिंग का जो फ्रेम है वो थोड़ा आपके सिलेबस में क्वेश्चन सेट का पैटर्न दिया। वैसे ये सारे स्टूडेंट अपने ध्यान में रखिए कि ओल्ड कोर्स से जो एडमिशन लिया है वे 2 सेमेस्टर तक उस सिलेबस से पढ़ेंगे और 3rd सेमेस्टर से नए सिलेबस से पढ़ेंगे और जो ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोड है। बहुत ही अच्छा सवाल था आपका। कोई और सवाल आपकी तरफ से? स्टूडेंट के लिए एक बात खास तौर पर गौर करने लायक है
ऐसी कोई भी बात अगर कहीं से भी आती है कि जो क्वेश्चन पिछले साल आया था इस साल नहीं आएगा, तो इस मानसिकता से आप अपने आप को दूर रखिए। जो क्वेश्चन 15 मार्क्स में आया था वो 5 मार्क्स में आ सकता है, जो क्वेश्चन 1 मार्क में आ सकता है। तो आपको बारीकी से अपने कोर्स को पढ़ना है, क्योंकि एक एक नंबर के सवाल कहां से पूछे जाएंगे इसका कोई भी गेस नहीं कर सकता। आपको 3 तरह से आंसर बनाने हैं, एक नंबर का, दूसरा होगा 5 नंबर का और तीसरा होगा 15 नंबर का। लेकिन गौर कर लीजिए, 15 नंबर के सवाल भी छोटे छोटे सवालों में बढ़ जाएंगे, जिसमें आपको 2-2 नंबर के सवाल आएंगे, 3-3 नंबर के सवाल आएंगे, 5-5 नंबर के सवाल आएंगे। तो एक अच्छी तैयारी के लिए सबसे अच्छा अगर एडवाइस हो सकता है तो आप अपने सवालों के जवाब 5 नंबर के लिए तैयार, क्योंकि आपके सारे सवालों के जवाब 5 नंबर के हिसाब से तय हो जाते हैं। आप उसको छोटा भी कर सकते हैं और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, और साथ में घड़ी जरूर रखें, क्योंकि कितनी देर में हम कितना लिख सकते हैं। आपने 3 पन्ने का आंसर तो बना लिया, लेकिन परीक्षा में लिखने गए तो 2 सवालों का जो समय था वो एक ही सवाल ले लिया, तो आपके एक सवाल छूट जाएंगे। इसलिए समय और सामर्थ्य, इन दोनों के बीच में एक तालमेल रखना जरूरी है। कोई और सवाल आपकी तरफ से? यस सर। किसी एक ने पूरे सभा के लिए कह दिया नो सर, और किसने कहा था? वेल, हिम्मत है उसकी, और उसके लिए उसको ताली बजा दे। जो रिप्रेजेंट करता है वो दूसरे का नहीं सुनता, वो अपना सोचता और अपना बोलता। इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड। आपको अगर आगे बढ़ना है मत सुनो दूसरे का, खुद का तय करो। हाँ, एक सवाल पीछे से। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा, लेकिन इस बात को फिर से गौर कर लीजिए। अभी भी पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज में थ्योरी का पेपर अलग होता है और प्रैक्टिकल का पेपर अलग होता है। ग्रेजुएशन में पहले थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ साथ होता था, अब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो नया फ्रेम लागू हो रहा है उसमें थ्योरी एक अलग पेपर है, प्रैक्टिकल एक अलग पेपर। आपके 4 क्रेडिट का थ्योरी टोटल 100 मार्क्स का होगा और प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का होगा, ठीक है? अगर आपने 100 नंबर का थ्योरी का पेपर चुना है और आप प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट से हैं, जैसे ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ऐसे पेपर से हैं, तो आपको प्रैक्टिकल भी करना है थ्योरी भी करना है, तो थ्योरी में 15 नंबर का मिड सेम होगा, ठीक है? और उसके बाद का जो पेपर है 60 नंबर का, वो आपका एंड सेम में होगा, ठीक है? अभी तक यही होता रहा, लेकिन अब जो व्यवस्था है उसमें आपका पेपर थ्योरी का 100 नंबर का माना जा रहा है और उसमें 25 नंबर का मिड सेम होगा, 75 नंबर का एंड सेम होगा, ठीक है?
प्रैक्टिकल पे सब्जेक्ट का भी 100 नंबर का पेपर में 25 नंबर का मिड सेम होगा और 75 नंबर का एंड सेम होगा, ठीक है? यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हिस्ट्री का भी पेपर होगा जो नॉन प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, 100 नंबर के लिए 25 नंबर का मिड सेम होगा और 75 नंबर का एंड सेम होगा, वेरी क्लियर। लेकिन अगर कोई पेपर है जिसमें आपको कम नंबर की परीक्षा होनी है, जैसे माइनर सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल बेस जैसे केमिस्ट्री, उसमें 75 नंबर का थ्योरी और 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। आपने गौर किया होगा 3 क्रेडिट है थ्योरी में, 1 क्रेडिट है प्रैक्टिकल में, तो 75 नंबर के परीक्षा के लिए 15 नंबर मिड सेम में होगा, 60 नंबर एंड सेम में होगा, तो 15 और 60 मिलाकर 75 नंबर हो गया और 25 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम। मेजर का स्ट्रक्चर अलग है, माइनर का स्ट्रक्चर अलग है। माइनर में प्रैक्टिकल और थ्योरी साथ साथ है, मेजर में प्रैक्टिकल अलग है थ्योरी अलग। आई होप दिस टाइम इट इज वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। कोई और सवाल है अगर तो पूछिए। तो हम सभी एक दूसरे से विदा लेते हैं और एक सवाल अभी भी बन रहा है, चलिए पूछ लिया जाए। प्लीज कम अहेड, आगे आ जाइए। इंटर्नशिप दो तरह का है, एक इंटर्नशिप उनके लिए है जो कोर्स को बीच में छोड़कर एजुकेशन डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, उनके लिए समर इंटर्नशिप। और दूसरे तरह का इंटर्नशिप एक कंपलसरी इंटर्नशिप है जो कि सेमेस्टर 5 में हर स्टूडेंट को करना। तो इंटर्नशिप आपको करना, और इंटर्नशिप में जो सबसे बड़ा फायदा होता है वह यह होता है कि हमारे काल्पनिक एहसासों को वह मूर्त रूप देता है। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर किसी और के साथ काम करते हैं तो वहां की जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उसको हम एहसास करते हैं। तो इंटर्नशिप आपको करना है, वो एक कंपल्सरी पार्ट है। लेकिन अगर आप पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो भी इंटर्नशिप करना है जो आप समर में करके जाइए। इसका मतलब यह है कि इंटर्नशिप का महत्व इतना ज्यादा है कि आप कोर्स पूरा करें या ना करें आपको उससे रूबरू होना चाहिए। यह महत्व रखते हुए इंटर्नशिप को एक कंपल्सरी पार्ट रखा गया है। जो पहले छोड़े हैं वो अलग से करेंगे और नहीं छोड़ेंगे तो कोर्स के साथ वो कर लें। कोर्स में एक ही इंटर्नशिप करना। अगर कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप कर लेता है समर में और पूरा पढ़ाई करता है तो भी उसको फिफ्थ सेमेस्टर में इंटर्नशिप अलग से करना पड़ेगा, समर इंटर्नशिप वैलिड नहीं होगा।
और इंटर्नशिप करने के लिए रांची यूनिवर्सिटी में जो तय हुआ है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एमओयू करेगी, उसके लिस्ट वो अपने वेबसाइट पे देगी, उसी लिस्ट के किसी इंटाइटल ऑर्गेनाइजेशन से ही आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। और अगर उसके बदले आप डिसर्टेशन रखते हैं या प्रोजेक्ट रखते हैं तो उसके लिए कंडीशन हम लोगों ने फ्रेम किया है, जो आपके प्राचार्य महोदय थे उस मीटिंग में उनको भी पता है, वो आपको बताए होंगे, आपके डिसर्टेशन प्रोजेक्ट हैंड रिटन आने चाहिए, इट वॉन्ट बी टाइप, कंप्यूटर पे टाइप नहीं होगा, वो हैंड रिटन होगा, वो 40 पन्ने का हो 50 पन्ने का हो वो डिसर्टेशन आपका हैंड रिटन होगा। आप जेरोक्स नहीं कर सकते, आप मार्केट से परचेज करके नहीं दे सकते, आपको लिखना होगा, पढ़ना होगा और सीखना होगा। धन्यवाद इन शब्दों के साथ। बहुत सारे जो उनकी शंकाएं थी उनकी जिज्ञासा थी वो शांत हुई है और उम्मीद है कि अब हमारे बीच कोई भी सवाल नहीं है, तो इस उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। और अभी जिस विद्यार्थी ने जिस छात्रा ने सवाल किया है उस विद्यार्थी को उस छात्रा को ये बताया जाना चाहिए कि वो अभी जो प्रोग्राम में है वो 4-year UGP प्रोग्राम 2022 ठीक है 22-25 22-26 चुका है, तो उस बैच में जो आपका समर इंटर्नशिप है वो 4th सेमेस्टर में है ना, और जब तक आप 3rd सेमेस्टर में आएंगी तो आप इसी नए इंटर जो नया आपका रिवाइज है इसमें आपको मर्ज हो जाना है राइट। तो अभी जो आपने सुना तो 3rd सेमेस्टर से कंटिन्यूएशन आपके होंगे, 2nd सेमेस्टर तक आप पुराने ही कोर्स में है राइट। ये बात शायद आप पहले नहीं सुन पाई, आप दूसरी जगह पे थी फिर बाहर भी थी आप अच्छे से नहीं समझ पाई, पर आपको कोई भी क्वेरी है तो आपके लिए हम लोग यहाँ उपलब्ध हैं, आपको आपकी सभी शंकाओं का निराकरण कर दिया जाए ठीक है, क्लियर है मैम ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आग्रह करती हूँ डॉक्टर आगर जफर सर से कि वो आए और हमारे अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन करें, हमारे विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। मैं इन बच्चों से बात कर रहा हूँ कि इन केस स्टडी जो भी आपने सुना कर देता हूँ, उसमें इसके अलावा आपको ये भी जानना होता है कि कॉलेज में जब प्रोग्राम होता है तो कोई कंडक्ट कर रहा होता है, कोई मल्टीपल कनाडा देता है और कोई आउट ऑफ टाइम देता है, मैं उसी के लिए हाजिर हुआ। सबसे पहले हमारे तो जो अतिथि हैं जिनको अतिथि कहते हुए भी अच्छा लगता है, वो इसी कॉलेज में थे और वो इस कॉलेज के बहुत ही सम्मान के शिक्षक थे और अभी भी वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इसीलिए आप देखिए कि जो नई पॉलिसी है उसका प्रोग्राम तैयार करने में उसको इम्प्लीमेंट करने में दोनों का तंत्र है। मेरे जी ने उन्हें पहला प्रेजेंटेशन दिया, मैंने उनको देखा है यहाँ किस लगन से उन्होंने काम किया है और कॉलेज में आज जो बहुत सारी सहूलतें हैं उनकी बदौलत ये अगर यहाँ रहते तो और भी पता नहीं क्या कॉलेज के चार्ज हैं बचा था। मैं राजकुमार जी से फिर बहुत मुलाकातें नहीं रहती हैं, पढ़ाने में रहते थे हमेशा क्लास में अपने बच्चों के साथ, और ये भी हुआ कि राजकुमार जी का खुद एक स्टूडेंट जो है वो इस कॉलेज में शिक्षक हुआ, मैंने उनसे इनकी बड़ी तारीफें सुनी है और पता चला कि बहुत अच्छे स्टूडेंट भी थे और एक बहुत अच्छा स्टूडेंट जब शिक्षक हुआ और आपसे बातें कर रहा है तो मुझे लगता है कि आप बहुत इंस्पिरेशन प्रेरणा मिलनी चाहिए। मैं इनके साथ जो है छात्र संघ के चुनाव में बहुत क्लोजली काम किया था और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा था। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए और हमारी आपने प्रेजेंट किया। बस एक बात ये कहूँगा सर, ये CBCS जब लागू हुआ तो बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो गई कि 2 जेनरल पेपर था 17 और 18 में और जो बच्चे पास कर गए हमें ग्रेजुएशन कर गए उनको देना पड़ा है, अब ऐसी कोई गलती नहीं है। और कहने की उसकी किसी सिस्टम था सर, लेकिन वो वैसे ही चला, वैसे सिस्टम के अलावा वैसे ही चला जैसे कि एनुअल प्रोग्राम चलता है वैसे ही चला, वो
उम्मीद करते हैं कि अपनी इनिशिएटिव डिवाइस जो है कि आप लोगों के रहते हुए ऐसी घटनाएं वहाँ ना, और जो इसका सोल है स्प्रिट है कि आपकी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट हो पाए, लेटरल एंट्री हो पाए, वैसा सब हो सके इसकी आप पूरी कोशिश कीजिए। जी और राजकुमार जी हैं, नहीं होगा सर, चैलेंजिंग है। आईजीएससी कोऑर्डिनेटर हमारी स्मिता मैडम, उन्होंने कल का मैटर्स दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्राचार्य यहाँ मौजूद थे, प्रोग्राम हो पाया इसलिए उनका ओरल सपोर्ट रहा, यहाँ तक नहीं है यहाँ मौजूद मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी लग गई है बहुत, मैंने भी बहुत धैर्य से सुना है बहुत, तो और तमाम शिक्षक जो यहाँ मौजूद हैं, वो शिक्षक जो दूसरे क्लासेस में प्रोग्राम देख रहे थे और बच्चों को बिठा के रखा था, वहाँ भी चल रहा था, चार कक्षाएँ ऐसी थी जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, इस बात के लिए अपने जी की लाइट चली गई और लोगों को बहुत परेशानी हुई, बच्चों को उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी, हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी गड़बड़ियाँ ना हो। आप तमाम स्टूडेंट्स का बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत धैर्य से यहाँ सुना, और जो बच्चे यहाँ हैं उन्होंने वो ज़रूर अपने दूसरे साथियों को बताएंगे कि सिलेबस को कैसे समझना है, ये आप देखिए और उस वक्त ये काम आएगा, जब आपके साथियों को जो यहाँ मौजूद नहीं है उनको आप बताएंगे, ये बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मैं हूँ और मैंने राजकुमार जी, नीरज जी और बहुत सारे साथी उसका जब काम करते हैं उनके साथ सीखने का मौका मिलता है, वो एहसास ही अलग होता है, जो आप सीख लेते हैं ना परेशानी उठा कर भी वो कहीं जाता नहीं, बहुत वैल्यूएबल होता है। आपने भी जो सीखा है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आप सब का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे शिक्षेत्र कर्मचारी यहाँ माननीय बदल आ रहे हैं, जिन्होंने ये सारा कुछ बी एस सी डिपार्टमेंट के टीचर्स, बी एस सी डिपार्टमेंट के स्टाफ, संदीप जी, सरस्वीना बल्दानी, जो जो जिन्होंने इस प्रोग्राम के कंडक्ट करने में हमारी थोड़ी बहुत सहायता की, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। येलो शर्ट की जो टीम है जो रिकॉर्ड कर रही है प्रोग्राम को, इन सब का भी बहुत धन्यवाद। मैंने येलो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सलामत रहे, तरक्की कर लिया, धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन के साथ हमारे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ, और विद्यार्थियों से आग्रह होगा कि वे एक एक करके बाहर निकलेंगे, और सभी शिक्षकों से आग्रह होगा कि वे एक मिनट रुक जाएंगे, विद्यार्थियों को जाने देंगे, फिर हम लोग Gracias.